हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी बुक का चैप्टर नंबर 5, एक्सरसाइज 5.2। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 आज हम सीखेंगे, लेकिन ट्रिक से। चलिए सबसे पहले जानते हैं ट्रिक क्या है। मैं आपसे कहूंगी, क्या आपको गिनती आती है? यदि आपको आती है तो बेटा क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आता है। चलिए देखिए, गिनती कहाँ लिखना है, ये हमारी ट्रिक है। गिनती कहाँ लिखोगे? नंबर ऑफ राइट एंगल में लिखना है। ठीक है, लिख दो 1 2 3 4, 4 तक लिखना है। ठीक है, अब बेटा मैं आपसे कहूंगी, क्या आपको 3 का टेबल आता है? बेटा 3 का टेबल यहाँ लिख दो गेप की जगह। 3 बन जा 3, 3 टू जा 6, 3 थ्री जा 9, 3 फोर जा 12। ठीक है, यही हमारी ट्रिक है, इससे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब बेटा क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में कहा है बेटा, घड़ी की सुई कौन सी वाली, घंटे वाली या कहिए छोटी वाली। ठीक है, 3 से बेटा 6 तक पहुंच गई। ठीक है, तो उन्होंने आपसे कहा है उसने कितने राइट एंगल बना दिए, कितने समकोण बने। तो बेटा 3 से पहुंचेगी 6 पे, लेकिन क्लॉकवाइज बोला है। तो 3 बेटा ये हुआ और 6 बेटा ये हुआ। ठीक है, अब हमारी ट्रिक की बारी। गेप देखो, 3 से 6 के बीच में गेप गिनो, 1 2 3, 3 का गेप है। यदि 3 का गेप मिले तो राइट एंगल कितने हुए? 1। आंसर क्या होगा? आंसर होगा 1 राइट एंगल, 1 समकोण। ठीक है, अब बेटा आपसे कहा है घड़ी की सुई बेटा 2 से 8 तक पहुंच गई। बेटा छोटा वाला जो कांटा है वह 2 से 8 पर पहुंचा, क्लॉकवाइज हो रहा है बेटा, ये 2 से ये 8 पे पहुंचा। ट्रिक से करेंगे क्वेश्चन। बेटा 2 से 8 के बीच में गेप गिनिए, 1 2 3 4 5 6, 6 का बेटा गेप मिला, 6 का बेटा गेप मिला। ट्रिक कहती है गेप 6 का है तो नंबर ऑफ राइट एंगल कितने होंगे बेटा? 2 होंगे। आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया 2 राइट एंगल, 2 समकोण। ठीक है, अब बेटा आपसे कहा है घड़ी की सुई 5 से 11 तक घूम गई। तो बेटा आप देखो, 5 ये हो गया और बेटा 11 ये हो गया। ठीक है, अब आपसे बोला है इनके बीच कितने राइट एंगल है, कितने समकोण हैं। तो क्या करोगे? गेप गिनो, 1 2 3 4 5 6, 6 का बेटा गेप मिला। हमारी ट्रिक कहती है गेप 6 का मिले तो बेटा राइट एंगल कितने हुए? 2। तो आंसर हो गया 2, 2 राइट एंगल, 2 समकोण। अब बच्चों आपको कहा है घड़ी की सुई बेटा 10 से 1 तक घूम गई। तो बेटा ये 10 और ये बेटा आपका 1। आप ट्रिक से क्वेश्चन करना चाहते हैं तो बेटा 10 से 1 के बीच में गेप देखिए, 1 2 3, 3 का बेटा गेप है। ट्रिक कहती है नंबर ऑफ राइट एंगल कितने होंगे? 1 होंगे। तो आंसर लिख दो 1 राइट एंगल, 1 समकोण। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब बेटा घड़ी की सुई बेटा 12 से 9 तक पहुंच गई। तो बेटा ये 12 और ये आपका 9।
क्वेश्चन ध्यान से देखिए, 12 से 9 तक पहुंची बेटा क्लॉकवाइज ऐसे, तो ट्रिक के हिसाब से चले तो सिर्फ गेप गिन लो 12 से 9 तक, ऐसे चलना है बेटा क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बेटा 9 का गेप मिला। ट्रिक कहती है 9 का गेप मिले तो राइट एंगल कितने होंगे, 3, तो आंसर लिख दो 3 राइट एंगल, 3 समकोण। अब बेटा आपसे कहा है घड़ी की सुई बेटा 12 से 6 पर पहुंच गई, ये बेटा 12 और ये बेटा 6, ठीक है, 12 से 6 के बीच में गैप गिन लो, 1 2 3 4 5 6 बेटा 6 का गैप है। हमारी ट्रिक कहती है राइट एंगल कितने होंगे, 2 होंगे, आंसर लिखिए 2 राइट एंगल।